A very good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So today is the first class of the computer and we are going to discuss the first chapter of the computer and the name of the chapter is Generations of Computer. The name of the chapter is Generation of Computer. So in this chapter, we are going to discuss five generations of the computer. How many generations? Five generations. और हम देखेंगे कि फाइव की सबसे पहली generations, first generation कौन सा generation होगी? First generation is the oldest generation, जो सबसे पुरानी generation थी. और हम ये देखेंगे कि सबसे पुरानी जनरेशन्स में कौन से कंप्यूटर आए और फिर कैसे कैसे जनरेशन टू जनरेशन कंप्यूटर बेटर होते चले गए, उनमें नए नए फीचर्स ऐड होते चले गए. हम इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले कंप्यूटर में अपना डेटा कैसे स्टोर करते थे और अब कैसे करते हैं और हमारे कंप्यूटर बेटर कितने हुए. ओके, सो द टर्म जनरेशन रेफर्स to a step in technology. What is the meaning of this? The term generation refers to a step in technology. It means कि हमारी technology में से आप क्या करते हो, आप stairs पे step by step चढ़ते हो ऊपर पहुँचने के लिए. ऐसे हम अपनी technology को better बनाने के लिए क्या करते हैं, step लेते हैं. Okay? In other words, generation provide a framework for computer industry to distinguish between various technology. इस lines का meaning क्या है कि हमें generations हमें बताती है कि कैसे हमारे कैसे different technologies आई और कैसे कैसे हमारे computers better होते चले गए. मतलब हम first generation को और fifth generation computer को distinguish कर सकते हैं, मतलब उनमें difference पता लगा सकते हैं कि पहली कैसे थे और अब कैसे हैं. Okay? So we should start. The first generation computer. So class, our first generation is vacuum tubes. In first generation computer, it is started from 1946 to 1959. Okay, 1946 to 1959. Yes. ये जनरेशन कब स्टार्ट हुए? 1946 से 1959 तक ही कंप्यूटर्स रहे हैं. उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन आ गई. ओके, सो यू हैव टू लर्न द ईयर कि कौन इस ईयर में कौन से थे, अब कौन से हैं. ओके, द सेकंड इज, तो इसमें क्या था, जस्ट अ मिनट, इसमें हमारे पास थे वैक्यूम ट्यूब्स. क्या थे क्लास? वैक्यूम ट्यूब्स. देखो सबसे पहले जो जनरेशन आए, देखो वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमारा डेटा स्टोर कैसे होता था. अब क्या होता है, हमारे पास सीपीयू होते हैं, वी हैव सीपीयू एंड सीपीयू हैव टू स्टोर ऑल द डेटा. बट पहले क्या होता था, वी हैव द वैक्यूम ट्यूब्स. विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स क्लास, कैन यू सी इन दिस फिगर, विद वैक्यूम ट्यूब्स, इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और ये वैक्यूम ट्यूब्स हमें हेल्प करती थी कि हम अपने डेटा को क्या कर सके, स्टोर कर सके. ओके, सो यू हैव टू लर्न वॉट इज वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज टू एम्पलीफाई एंड कंट्रोल द सिग्नल. वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हम सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए कंट्रोल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफाई, मतलब सिग्नल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं ना, एम्पलीफाई करना, उनको और दूर तक लेके जाने से सिग्नल्स की हम स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं. दिस इज कॉल्ड एम्पलीफाई, मतलब टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. जैसे कि एम्पलीफाई का नीड क्यों पड़ा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मुझे एक जगह से दूसरी जगह क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है. सपोज आपको अपने घर से 1 किलोमीटर अपने फ्रेंड के पास जाना है, लेकिन यू डोंट हैव एनी व्हीकल टू, आपके पास कोई व्हीकल नहीं है जाने के लिए, तो क्या होगा,
अब आप 500 मीटर चले और 500 मीटर के बाद क्या हुआ, आप थक गए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप कोई भी रिक्शा लोगे तो रिक्शा से क्या हुआ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई या फिर रिक्शा ने आपको हेल्प किया आगे पहुंचाने में। तो ऐसे ही एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, उन सिग्नल को हेल्प करता है रिट्रांसमिट करने के लिए, सॉरी ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, सिग्नल्स ट्रांसमिट मतलब इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए, बस इतना याद रखना है। लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था, दी वैक्यूम ट्यूब्स वर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्न डाउन फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली। देखो ऐसा होता है ना कि आपके जो मोबाइल फोन्स होते हैं और स्मार्टफोन्स होते हैं, अगर आप उन्हें बहुत टाइम तक यूज़ करो तो थोड़ा सा ना क्या हो ऐसा होता है, वो थोड़ा बर्नट आउट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा गर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही वैक्यूम ट्यूब्स में होता था, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था, बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, है ना, बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी और वो ये बहुत जल्दी बर्नट आउट हो जाते थे, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब्स को आप कैसे याद रखोगे, फर्स्ट आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिमेंबर, इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वी हैव टू यूज़ दी वैक्यूम ट्यूब्स। कोई आपसे पूछेगा डेटा किसकी हेल्प से ट्रांसमिट होता था, तो वॉट यू हैव टू से, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स कब आया, फर्स्ट जनरेशन में। ओके, द सेकेंड इज ह्यूज इन साइज क्लास, ये भी आपको याद रखना है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूज इन साइज, इट मीन्स जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे, दे आर इन ह्यूज साइज। इट मीन्स ये जो कंप्यूटर होते थे ना, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कोई भी मतलब अपने घर में रख सकते, मतलब घर में छोटी सी जगह पे रख लिए। आजकल तो क्या होता है, आपके पास स्मार्टफोन होते हैं, यू कैन कैरी इन योर पॉकेट, बट पहले ऐसा नहीं होता था। इनको स्टोर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता था, बहुत बड़े बड़े रूम चाहिए होते थे और उनमें प्रॉपर एयर कंडीशनर। क्लास आपके जो लैब्स होते हैं, इन योर लैब्स यू आर हैविंग एसीज, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एसी, कभी सोचा है व्हाई इन कंप्यूटर लैब इट इज़ नेसेसरी टू कीप एसी, बिकॉज कंप्यूटर प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगर एसीज नहीं होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो रूम है वो बर्न आउट हो जाए, ठीक है। डेट्स वाई कंप्यूटर्स में एसीज होते हैं। ओके, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कंप्यूटर्स वर लोकेटेड टू बी प्रॉपरली एयर कंडीशन। ओके, दे वर वेरी ह्यूज इन साइज, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे उनके साइजेस बहुत बड़े होते थे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज पंच कार्ड। अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे करते थे, अब हमारे पास क्या होते हैं, अब हमारे फ़ोन्स में डेटा होता है, सॉरी फ़ोन्स में हमारे स्टोरेज होती है, अपने आप डेटा उसमें स्टोर हो जाता है। लेकिन पहले नहीं होता था, पहले हमारे पास ना कोई मेमोरी कार्ड्स होते थे ना कुछ होते थे। पहले इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वी हैव पंच कार्ड्स। व्हाट इज़ पंच कार्ड, पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड इज़ अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस होता है जिसमें कुछ होल्स होते हैं। सपोज ऐसे एक पेपर है, ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे होल्स बने हुए होते थे, लाइक दिस, ऐसे ऐसे होल्स बने हुए होते थे और ये होल्स क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते थे। मतलब जैसे कि मानो ये दूसरा पेपर है और इसमें अलग टाइप के होल्स हैं, मतलब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। इफ समवन आस्क यू व्हाट आर पंच कार्ड, पंच कार्ड इज़ अ पीस ऑफ पेपर विच इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन देखो होता क्या था कि ये जो पीस ऑफ पेपर्स होते थे ना, इनमें जो होल्स होते थे, उन होल्स का इन एवरी पेपर इज हैविंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ होल्स, तो उन पैटर्न से हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि उसमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन फीड है। ओके, सो पंच कार्ड इज यूज टू फीड द डेटा इन टू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में किसकी हेल्प से डेटा को फीड करते थे, विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड। इस जनरेशन में वी हैव कीबोर्ड्स, यस, तो कीबोर्ड्स हेल्प्स अस टू फीड द डेटा, बट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वी नीड अ पंच कार्ड टू फीड द डेटा इन टू द कंप्यूटर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मशीन लैंग्वेज। क्लास यू हैव टू नो व्हाट इज मशीन लैंग्वेज।
कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज वन लैंग्वेज विच इज मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर्स में कोई भी डेटा हो, आपका आपके गेम्स हो, आपका सॉन्ग्स हो, आपकी कोई भी फाइल हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है एंड दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. आपको पता भी नहीं होगा कि मशीन लैंग्वेज होती क्या है. सी, मशीन लैंग्वेज सिर्फ दो ही चीज़ें समझती है. जैसे आपके फोन, आपके फ़ैन होता है ना, फैन में दो ही ऑपरेशन होते हैं, जीरो इट मीन्स ऑफ द फैन, वन इट मीन्स ऑन द फैन. जीरो इट मीन्स फैन को ऑफ करना एंड वन इट मीन्स फैन को ऑन करना. तो योर कंप्यूटर विल ओनली अंडरस्टैंड टू ऑपरेशंस. यस, तो ऐसे ही आपकी मशीन, ऐसे ही आपका कंप्यूटर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज. देखो, हम जो डेटा फीड करते हैं वो तो हम नॉर्मली अपना अपनी तरीके से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जाके वो मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में फीड होता है. अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वन. मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिखी है, आपको समझ में भी नहीं आएगा इसका मतलब क्या है. देखो, कंप्यूटर में एक वर्ड होता है ना, आप तो इसको टू बोलते हो, लेकिन कंप्यूटर इसको क्या समझता है? दस. देखो, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज मशीन लैंग्वेज. आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि मशीन लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज होती क्या है ये. पहले क्या होता था, पहले जो कंप्यूटर्स को बनाते थे वो डेटा इसी तरीके से फीड करते थे. अगर उन्हें कंप्यूटर में टू को फीड करना है तो वो इसी तरीके से फीड होगा, लाइक दिस. यस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन लैंग्वेज. नाउ we have some examples of first generation computer and the example is an ENIAC, ENIAC, EDVIC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650. Class, you have to learn all this example. And what is this? This is vacuum tubes which helps us to store data into the computer. Okay? So, I hope you all are understand what is the meaning of first generation computer. Class, आपको सबसे ज़्यादा importantly क्या याद रखना है? These headings. Vacuum tubes. Just a minute. सबसे important. First generation computer में क्या आया? Vacuum tubes. Then, it is huge in size. Size में बहुत बड़े होते हैं. Punch card is used to store the data. Which language understand? मत देखो, every computer is having a language. हर generation में जो भी computer आएगा उसमें कुछ ना कुछ language होती है. Class देखो, सबसे पहले क्या होता था, computer सिर्फ एक ही language समझता था, machine language. Okay, तो सारा data हम कैसे feed करते थे? Zero और one की form में. अब क्या होगा, अब नई नई language आती जाएंगी. तो जैसे जैसे languages change होगी, ऐसे ऐसे हमारे लिए data को store करना और समझना आसान होगा. It is not easy for you to understand the machine language. Okay, तो लेकिन पहले क्या होता था, पहले हमारे पास कोई option नहीं था क्योंकि computer नए नए आए थे तो हम data को 0 and 1 की form में ही store करते थे. लेकिन अब क्या होता है? पापा. Okay. But अब क्या होता है? अब वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. वो मैं आपको आगे जब फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिस्कस करूंगी. ओके, सो नाउ दिस इज एग्जाम्पल. नाउ वी कैन डिस्कस सेकेंड जनरेशन. वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन वॉट यू हैव टू लर्न इन फर्स्ट जनरेशन? वैक्यूम ट्यूब्स, ह्यूज इन साइज, पंच कार्ड, मशीन लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स. ओके class, this is your first generation computer ENIAC. What is the full form of ENIAC? Electronic numeral integrator and computer. Electronic numerical integrator and computer. This is the full form. Numerical matlab which is used to perform numeric operation. Numeric operations, normal operations jo hote hain hamare, multiplication, addition, subtraction. इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर. ये हमारा वर्ल्ड का पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था.
ओके इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस अवर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कैन कम इन 1959 टू 1964, ओके 1950। सो वी कैन कंटिन्यू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर व्हाट वी लर्न, वैक्यूम ट्यूब्स। पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। नाउ इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वी यूज ट्रांजिस्टर्स। क्लास कैन यू सी दिस इज ट्रांजिस्टर। In second generation computer, transistor is used to store the data. What we used? We used transistor to store the data. Transistor were used in place of vacuum tubes. Transistor were cheaper. Class, what is the meaning of cheaper? मतलब जो transistors होते थे वो less costly होते थे, मतलब cheaper it means सस्ता, ओके एंड कंज्यूम लेस पावर, और कम पावर कंज्यूम करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स हमारी बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी, बट ट्रांजिस्टर, देखो मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज होती जाएगी हमारी कंप्यूटर्स बेटर होते चले जाएंगे। तो हमने पहले क्या देखा, वो ज़्यादा पावर यूज़ करता था, बट ट्रांजिस्टर चीपर भी हैं एंड दे कंज्यूम लेस पावर, ऑल राइट। एंड द सेकेंड इज दे आर स्मॉल इन साइज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ओके। नाउ अगेन पंच कार्ड जो होते थे हमारे, मैंने आपको पंच कार्ड पहले भी बताया है, क्या बताया था, पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ पेपर विच इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या होते थे हमारे होल्स होते थे लाइक दिस, इस टाइप से इन होल्स में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी, पंच कार्ड एंड टेप्स। तो यहाँ पे भी हमारे डेटा को फीड करने के लिए, एंटर कराने के लिए, जैसे आपका अब कीबोर्ड होता है, मैं आपके कीबोर्ड से, अब आपकी जनरेशन में मैं आपको किससे रिलेट कराती हूँ, कीबोर्ड से, क्या होता है आपका कीबोर्ड, ठीक है। तो लेकिन अब क्या, पहले क्या यूज होते थे, कीबोर्ड की जगह हम क्या यूज करते थे, पंच कार्ड्स एंड टेप्स। नाउ वी हैव मैग्नेटिक टेप्स। क्लास व्हाट इज मैग्नेटिक टेप्स, देखो मैग्नेटिक टेप्स में जाके हमारा डेटा स्टोर होता था, पंच कार्ड हेल्प कराता था और मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता था। मैग्नेटिक टेप्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर्स में इंटरनली होती है, मतलब आपको प्राइमरी मेमोरी को एक्सटर्नली लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपके फ़ोन में क्या होता है, एक मेमोरी होती है जब आप फ़ोन को ख़रीदते हो तो वो ऑलरेडी आती है, एक दूसरी मेमोरी होती है उसमें क्या करते हो आप, अपने आप कोई भी हार्ड डिस्क या फिर कोई भी मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हो। तो मेमोरी कार्ड में जो डेटा स्टोर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारा मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर हुआ उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी, और जो हमारा इंटरनल डेटा आया उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ओके। एंड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वी आर यूजिंग मशीन लैंग्वेज, बट इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वी आर यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में देखो क्या होता था, असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते थे, इंस्ट्रक्शंस जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इंस्ट्रक्शन लाइक जैसे कि अगर मैंने बोला है एडिशन परफॉर्म करो, तो उसमें हम लिखते थे यहाँ पे एड, एडिशन को हम लिखते थे ऐड, मतलब हम इसमें कुछ मिमोनिक्स यूज़ करते थे। मिमोनिक्स मतलब होते हैं शॉर्ट, जैसे कि मैंने कहा है कि यू हैव टू परफॉर्म द एडिशन, तो उसमें हम लिखेंगे ऐड। मल्टीप्लिकेशन को मल, मूव कराना है किसी भी नंबर को एक जगह से दूसरी जगह तो मूव। तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड अस एज द कंपेरिजन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ओके। सो इन फर्स्ट, मैं आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके दिखाती हूँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, एंड दिस इज द एग्जांपल। इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हो रहा है,
यहाँ पे क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। वो साइज़ में बड़े होते थे, ये साइज़ में स्मॉल होते हैं। पंच कार्ड यूज़ होते हैं, मैग्नेटिक टेप्स, असेंबली लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स। और दिस इज़ द फिगर ऑफ ट्रांजिस्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कम्स इन 1964 to 1979. ओके, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्लास व्हाट इज IC? सी, देखो व्हाट इज IC? IC में ना आपको इंटरनली समझने की, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए IC में होते क्या है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम अपने ट्रांजिस्टर्स को यूज करते थे, या वी यूज ट्रांजिस्टर्स। इसमें क्या है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हमने मिला के क्या किया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन करके हमने क्या बनाई, IC बनाई। ट्रांजिस्टर को कंबाइन करके उसमें कुछ, इसमें कुछ ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर्स, मतलब ये सब चीज़ें होती थी। क्या ये IC, वैक्यूम ट्यूब्स, ये सब क्या है? ये सब हमारे, आप अपने माइंड में सोच के चलो कि ये सब क्या है, हमारे CPU हैं जो हमें हेल्प कराते हैं डेटा स्टोर कराने में। ओके, द सेकेंड इज स्मॉल इन साइज। ये साइज में स्मॉल होते थे। यहाँ पे आया कमर्शियल प्रोडक्शन। क्लास कमर्शियल प्रोडक्शन होता है कि किसी भी चीज़ को मार्केट में सेल करना, मार्केट में बेचना। तो कमर्शियल प्रोडक्शन बिकेम इजियर एंड चीपर, इट मीन्स लेस कॉस्टली, मतलब सस्ता। ओके, एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप, मैंने आपको पहले भी बताया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, अब आपको फिर रिपीट करा रही हूँ कि मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स इसमें भी यूज होते थे। एंड द सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस इसमें यूज होती थी। अब उनके नाम क्या है, बेसिक, फोर्टन, सेकेंड, फिफ्थ, एल्गोल 68। क्लास इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस जो होते थे, जैसे मैंने आपको बताया असेंबली लैंग्वेजेस में पहले तो मशीन लैंग्वेज आई, वो तो अंडरस्टैंड करना इजी, बिल्कुल भी इजी नहीं है। उसमें तो सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। असेंबली लैंग्वेजेस में तो हमें थोड़ा सा इजी हो गया, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना है तो हम MUL लिखते थे। इसमें क्या हुआ, इसमें और इजी हुआ हमारे लिए, है ना। तो इसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस और इजी हुए, देयरफॉर इट वाज क्वाइट इजियर टू गिव इंस्ट्रक्शन। आपको पता है आपके फ़ोन में भी कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं पीछे, आपके फ़ोन में भी कोई लैंग्वेजेस होती है, तो क्या आपको फ़ोन चलाने के लिए उन लैंग्वेजेस को सीखना ज़रूरी है? नहीं ना। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी डेप्थ में जाओ, बस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए लैंग्वेजेस के बारे में कि आपकी इन जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी। नाउ मॉनिटर एंड कीबोर्ड। क्लास यू ऑल आर अवेयर अबाउट व्हाट इज़ मॉनिटर एंड व्हाट इज़ कीबोर्ड। मॉनिटर और कीबोर्ड क्या है, आपके डेटा को इनपुट कराने के लिए, मतलब उसमें आपके डेटा को कुछ भी एंटर कराने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 2+2 कराना है, सॉरी 2+2 कराना है, तो मैं 2+2 किसके थ्रू ऐड करूंगी, मॉनिटर किस विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। और जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 मुझे कहाँ मिलेगा, मॉनिटर पे। ओके, एंड द एग्जांपल आर IBM 360, हनीवेल सीडीज, PDP-8 एंड H। क्लास यू हैव टू लर्न द एग्जांपल। आपको एग्जांपल्स को समझना ही पड़ेगा। एग्जांपल्स में ऐसे, ये क्या है, एग्जांपल क्या है, ये थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज होते थे उनके नेम है, राइट, सिट, और कुछ भी नहीं है। ओके, सो क्लास दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड द वॉट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वॉट इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, वॉट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फॉर टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, और हम एट लास्ट में एक ओवरव्यू भी ले लेंगे जिससे आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू ऑल।